हेलो फ्रेंड्स, SG एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपवार्ड मूवमेंट के लिए या कॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है और किस तरह से आपको अपवार्ड लगाना है या फिर कॉलेज एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर JET की ऑफिशियल साइट खोल लेनी है। यहाँ तक आप सब लोग पहुँच जाओगे, फिर आपको यहाँ पर होम पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो कैंडिडेट लॉगिन है, इस कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं, जैसे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर ये लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल दिए, पासवर्ड मैंने डाल दिए। JET पे आपको क्लिक कर देना है अगर आप JET के स्टूडेंट हैं तो। प्री PG के हैं तो प्री PG पे क्लिक करना है और PhD के हैं तो PhD पे क्लिक करना है और कैप्चर आपको भर देना है। ये 5 और 2 7 मैंने भर दिया, ये लॉगिन मैंने कर दिया। जैसे आप लॉगिन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में आपका रिजल्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड रिजल्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिली है उसका रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पर जो आप कल देख पा रहे थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी। रिजल्ट डिटेल, यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिले थे, वो सब कुछ, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितने मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आए थे, सीट आपको कौन सी मिली है, कौन सी कॉलेज। जैसे इस बच्चे को प्रीतमपुरी सिक्कर कॉलेज मिली है, नीमका थाना सिक्कर में ये है कॉलेज। और यहाँ पर देखिए, आपको डीन के जो कॉन्टैक्ट पर्सनल नंबर है वो सारे यहाँ पर दे रखे हैं, ताकि आप किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ऑनलाइन फ़ीस डिपॉजिट, तो यहाँ पर देखिए पर सेमेस्टर की फ़ीस इन्होंने दे रखी है कि पर सेमेस्टर की इस कॉलेज की 35,000 फ़ीस है और आपको कॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए, यहाँ पर देखो ऐसा लिखा हुआ रहा है, अगर आपको यही कॉलेज चाहिए, आपको दूसरी कॉलेज नहीं करनी है, आपको अपवार्ड नहीं लगाना है, तो आप आई एक्सेप्ट अलॉटमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अपवार्ड लगाना है तो आप अपवार्ड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं अपवार्ड रिक्वेस्ट का बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आई एक्सेप्ट अलॉटमेंट पे भी जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए अपवार्ड रिक्वेस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये आपने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सारी गाइडलाइन इसमें दे रखी है कि आपको एक बार में 800 रुपये जमा करवाने हैं और ज़रूरी नहीं है कि अपवार्ड के बाद भी आपको कॉलेज मिले या ना मिले। अगर कॉलेज नहीं मिलती है तो भी आपके 800 रुपये जमा कर दिए जाएंगे और अगर कॉलेज मिलती है तो भी आपको 800 रुपये तो रिटर्न नहीं होंगे, लेकिन पुरानी वाली कॉलेज वैसी की वैसी आपकी रह जाएगी। जैसे इस बच्चे का अपवार्ड लगाया जाता है और अगर इसकी कॉलेज चेंज नहीं होती है तो प्रीतमपुरी सिक्कर इसकी कॉलेज वैसी की वैसी रह जाएगी सेकेंड राउंड के लिए। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि आपने 29वें नंबर की जो कॉलेज चॉइस की थी वो आपको मिली है। अब इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 28 और ये 29 नंबर इस बच्चे को कॉलेज मिली है ये वाली। अब अगर आप अपवार्ड लगाओगे तो आपको 1 से लेके 28 तक की जो कॉलेजें हैं केवल वही कॉलेज मिलेगी, दूसरी कॉलेज नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप चाहो कि सर मुझे 30वें नंबर की कॉलेज मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। 1 से 28 में कोई सी भी कॉलेज आपको मिल सकती है। दूसरी चीज़, आप 1 से लेके जो 28 तक की जो कॉलेजें हैं उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते कि मैं कॉलेज का ऑर्डर चेंज कर दूं, क्रम चेंज कर दूं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करके, जैसे आप ऐसे क्लिक करेंगे आपको वापस वहाँ चला जाना है। क्लिक हो चुका है यहाँ पर, फिर आपको पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर आपको क्लिक करके और पे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन बिफोर पेमेंट से पहले आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पासवर्ड, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है ऑलरेडी और ये सारी चीज़ें आपके पास, यहाँ मोबाइल नंबर सब कुछ आ रखा है। अब आपको सीधा करना है पे ऑनलाइन फ़ीस पे। ठीक है, तो पे ऑनलाइन फ़ीस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आपको ये फ़ीस का पेमेंट पूरा UPI सिस्टम से आप करके और फीस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप फीस पेमेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका अपवार्ड मूवमेंट लग चुका है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप नया अपना प्रिंट आउट वहाँ से निकाल लीजिए जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने 800 रुपये जमा करवा दिए हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके अपवार्ड मूवमेंट का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अपवार्ड मूवमेंट के अलावा आप अगर कॉलेज एक्सेप्ट करना चाहो तो वो कैसे करेंगे। देखिए, कॉलेज एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आ गए थे हम, यहाँ से कॉलेज एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कॉलेज एक्सेप्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको 1,000 रुपये जमा करवाने हैं यहाँ से ऑनलाइन वही सिस्टम के द्वारा और आपकी कॉलेज एक्सेप्ट
हो जाएगी, और बाकी की जो डिटेल्स है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको ऑफलाइन कॉलेज में जाके जमा करवानी है। अभी केवल आपको 35,000 आपकी फीस हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 5,000 हो, आपको केवल और केवल 1,000 रुपये जमा करवाने हैं। कुछ कॉलेज ऐसी हैं जिनकी फीस 5,000 से भी कम है, तो उन बच्चों के एक्सेप्ट करते टाइम 1,000 रुपये भी नहीं लगेंगे, बिना 1,000 रुपये के उनकी कॉलेज एक्सेप्ट हो जाएगी। क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसी है जिनकी फीस 4,000 या 5,000 के अंडर अंडर है, तो फिर उनकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है,